से रूपरानी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन में दो दिवसीय खेल समारोह के आज दूसरे दिन खेल समारोह का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। लॉ एंड ऑर्डर अमृतसर के DGP श्रीमान परमिंदर सिंह, PPS पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी व अर्जुन अवार्ड से सम्मानित समारोह के मुख्य अतिथि रहे। मैडम प्रिंसिपल ने समूह कॉलेज सदस्यों की तरफ से मुख्य अतिथि का हार्दिक अभिनंदन किया। मैडम प्रिंसिपल ने मुख्य अतिथि के साथ मिलकर खेल ध्वज लहराकर औपचारिक रूप से खेल समारोह शुरू करने की अनुमति दी। कॉलेज की छात्रा करमजीत कौर गोल्ड मेडलिस्ट ने सभी खिलाड़ियों को निष्ठा से खेलने के नियमों का पालन करते हुए भाग लेने की शपथ दिलाई। मैडम मंजीत मिन्हास और परमजीत सिंह ने मंच संचालन करते हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया और भाग लेने वाले प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। समारोह के दूसरे दिन खेल विभाग के डॉक्टर हरमनदीप सिंह और डॉक्टर मनदीप सिंह ने 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर की रेस के फाइनल, स्पून रेस, स्लो साइकिल रेस, स्टाफ की म्यूजिकल चेयर रेस इत्यादि प्रतियोगिताएं करवाई। करमजीत कौर को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। मुख्य अतिथि ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज के युग में लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं, खेलों को जीवन का जरूरी हिस्सा बनाकर शारीरिक व मानसिक रूप से शक्तिशाली बनना चाहिए। इसी के साथ मैडम प्रिंसिपल ने मुख्य अतिथि का धन्यवाद करते हुए सभी भाग लेने वाले छात्रों को शुभाशीष दी। साथ ही खेलों का महत्व बताते हुए इनको जीवन में अपनाने को प्रेरित किया। मैडम प्रिंसिपल ने विभाग की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। नृत्य विभाग की छात्राओं ने पंजाबी लोक नृत्य प्रस्तुत किया। इस अवसर पर कौंसिल सदस्य प्रोफेसर बलजीत कौर, डॉक्टर कुसुम देवगन, डॉक्टर परमिंदर कौर, डॉक्टर सुरिंदर कौर, प्रोफेसर प्रीत देविंदर तथा समूह स्टाफ सदस्य उपस्थित रहा।